हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजीजे और मैं आपका दोस्त अमजद ताहिर। दोस्तों, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 5 सेकंड। दोस्तों, अगर आप इन सवालों का जवाब पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, दिल्ली भारत की राजधानी 13 फरवरी 1931 को बनी थी। हमारा दूसरा सवाल, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। हमारा तीसरा सवाल, स्वतंत्र भारत यानी आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, स्वतंत्र भारत यानी आजाद भारत की पहली जनगणना सन 1951 में हुई थी। हमारा चौथा सवाल, एक दिन में कितने घंटे होते हैं और धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना समय यानी टाइम लेती है? सही जवाब, एक दिन में 24 घंटे नहीं होते बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं। ये वे समय है जो धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में लेती है। हमारा पांचवा सवाल, भारत में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी, सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति है। हमारा छठा सवाल, संविधान का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, अमेरिका संविधान का निर्माण करने वाला विश्व का यानी संसार का पहला देश है। हमारा सातवां सवाल, किस देश में अपराधी के साथ उसके बीवी बच्चों और माता पिता को भी सजा दी जाती है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है नॉर्थ कोरिया में अपराध करने वाले अपराधी के माता पिता और बीवी बच्चों को भी सजा दी जाती है। हमारा आठवां सवाल, विश्व में यानी संसार में सबसे कम हाइट वाला आदमी कौन से देश का है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। चौवन पॉइंट 6 सेंटीमीटर की हाइट वाला दुनिया का सबसे छोटा आदमी चंद्र बहादुर नेपाल से है। हमारा नौवां सवाल, ऐसा कौन सा फल है जो मीठा होने के बावजूद बाजार में नहीं बिकता? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है मेहनत का फल, जो मीठा होने के बावजूद भी बाजार में नहीं बिकता। हमारा दसवां और आखिरी सवाल है, वह कौन सा फल है जिसका सिर्फ छिलका ही खाया जाता है? आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दीजिए अपने दोस्त को याद। बाय बाय, गुड डे।